हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SOC 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिड टर्म के लिए। और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी और इनका सोल्यूशन भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है आपने बताना होगा कि कल्चर क्या है। उसके बाद फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर? सोसाइटी और कल्चर, इन दोनों के दरमियान फर्क है। उस फर्क को आपने जो है वो बताना होगा कि इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। उसके बाद है हाउ सोशल रैंकिंग कैन बी एक्सप्लेन, किस तरीके से कैसे जो है वो सोशल रैंकिंग को एक्सप्लेन जो है वो किया जा सकता है, उसकी वजाहत जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद है व्हाट इज सोशियोलॉजी, जो कि सब्जेक्ट का नाम भी है। आपने बताना होगा कि सोशियोलॉजी क्या है। और उसके बाद है फिर हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट डू देयर रिसर्च, कैसे सोशियोलॉजिस्ट जो है वो अपनी रिसर्च करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज सोशल वर्क, सोशल वर्क क्या है। ये आपने बताना होगा। उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के जो फंक्शंस हैं वो बताने होंगे। और उसके बाद है फिर व्हाट सब्जेक्ट्स और इश्यूज डू सोशियोलॉजिस्ट डील विद, यानी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं या इश्यूज हैं जिनमें सोशियोलॉजिस्ट जो है वो जिनके साथ डील करते हैं। और उसके बाद है व्हाट इज स्टेटस को क्या है। और उसके बाद है व्हाई इज सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट, क्यों सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जारी बात है ये बताना होगा। और हाउ इज सोशियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से सोशियोलॉजी जो है वो कैसे मुख्तलिफ है, जारी बात है फ़र्क है इन दोनों के दरमियान। तो उसको आपने बताना होगा कि किस तरीके से सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी से मुख्तलिफ है। उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किनशिप, किनशिप का फंक्शन क्या है ये बताना होगा। उसके बाद है हाउ मैनी रेजिडेंस पैटर्न्स आर देयर, कितने रेजिडेंस पैटर्न्स जो है वो हैं ये बताना है। और उसके बाद है व्हाट इज जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन क्या है ये बताना होगा। और उसके बाद फिर व्हाट इज थ्योरी, थ्योरी क्या है ये बताना होगा। और उसके बाद है नेम एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज, यानी कि नाम देना होगा और वजाहत करना होगी इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं सोसाइटीज की उनकी। और उसके बाद है व्हाट इज प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोमिनेंट थ्योरीज जो है वो क्या है ये बताना होगी। और उसके बाद है हाउ कल्चरल चेंज अकर्स, कैसे कल्चरल चेंज जो है वो होता है, ये बताना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर ये स्लाइड और इसके सोल्यूशन चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। और अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।